गुड मॉर्निंग क्लास, लेट्स कंटिन्यू अवर टॉपिक लाइंस एंड एंगल। एंड इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अप टू क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ अवर एक्सरसाइज 17C विच इज़ ऑन पेज नंबर 226। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 16। हमें क्वेश्चन नंबर 16 करना है आज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। हम कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एक लाइन है ए बी और एक लाइन है सी डी, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। ए बी और सी डी आपस में पैरेलल दे रखी है, तो जो डेटा दे रखा है वो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। नाउ प्रूव दैट, हमें क्या प्रूफ करना है, P प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, यह हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ, ठीक है, फिगर बना लेते हैं। ये दोनों लाइन पैरेलल है, दिस इज पॉइंट E, ये एंगल है P, ये एंगल है F, Q और ये है R, और इसको नाम दे दिया G, ठीक है। तो आपने देखा है कि ये वाला क्वेश्चन जो है इट इज़ सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ योर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 9 में जब ओपन फिगर दी तो हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्शन करके एक लाइन पैरेलल बना दी थी। देखो ए बी सी डी के पैरेलल है, तो मैं काम कर रहा हूँ एफ से एक लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, और इस लाइन का मैंने नाम दिया एक्स वाई, और जो एक्स वाई है ये ए बी के पैरेलल है। तो यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन में मैंने लिख दिया ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू ए बी थ्रू एफ, ठीक है। अब ए बी के पैरेलल है एक्स वाई और ए बी के पैरेलल क्या है, सी डी। इसका मतलब ए बी सी डी एक्स वाई, ये तीनों लाइन आपस में क्या हो गई, पैरेलल। देखो एक्स वाई ए बी के पैरेलल, ए बी के पैरेलल सी डी, सो ए बी एक्स वाई सी डी, दीज थ्री लाइन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये एंगल Q था, जैसी मैंने लाइन बनाई इस Q को मैंने ब्रेक कर दिया, ये एंगल 1 हो गया और ये एंगल 2 हो गया। यानी जो एंगल Q है इट कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, ये मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए लिख दिया। अब ध्यान से देखो, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे, मैं फिगर बना दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ऊपर वाली लाइन है ए बी और ये लाइन है एक्स वाई, ये दोनों पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल आ गया, इस ट्रांसवर्सल का नाम है ई एफ। तो ये एंगल है पी और ये एंगल है वन, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं पी और एंगल वन का सम कितना होगा, पी और एंगल वन होगा 180 डिग्री, और इसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस ए बी इज़ पैरेलल टू एक्स वाई एंड ई एफ इज़ ट्रांसवर्सल, देयरफोर पी प्लस एंगल वन विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, और इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 1। चलो अब देखो नीचे वाली दो लाइन देखते हैं, एक लाइन है एक्स वाई और एक लाइन है सी डी, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल आ गया एफ जी, ठीक है। तो ये एंगल 2 है और ये एंगल आर है, तो क्या बता सकते हैं इस एंगल में क्या रिलेशन होगा, सो एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल आर, वाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये ऐसा क्यों होगा, इट विल बी को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, जो सपोर्टिंग स्टेटमेंट है वो आपको लिखना ही लिखना है, सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि एक्स वाई इज पैरेलल टू सी डी एंड एफ जी इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल आर, और ऐसा क्यों होगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो होते हैं इक्वल। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। मैंने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 क्या है, पी प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन 2 क्या है, एंगल 2 बराबर आर। जब दोनों को ऐड किया तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट में ऐड होता है, राइट वाला राइट में ऐड होता है, सो इट विल बी पी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 प्लस आर। अब ध्यान से देखो, एंगल 1 और एंगल 2 हमारा किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी प्लस क्यू और आर को मैं इधर ले आया, माइनस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हमें यही प्रूफ करना था, ध्यान से देखो, पी प्लस क्यू माइनस आर, P
पी प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था, देयरफॉर हेंस इट इज प्रूव्ड। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये P है तो एंगल 1 प्लस P का सम 180 होगा, एंगल 2 एंगल R के इक्वल होगा, दोनों को ऐड करो आपका आंसर आ जाए, ठीक है। ठीक है, ये हमें टू प्रूव करना है, ये गिवन है, सो गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, और यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रूफ, क्योंकि प्रूफिंग वाले क्वेश्चन में ये सब लिखना जरूरी होता है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की फिगर देखो, जितनी कठिन फिगर होगी सॉल्यूशन उतना ही आसान होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और ई एफ जो है वो जी एच के पैरेलल है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड टी। तो ये क्वेश्चन लिख के करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और अगर आपको यही फिगर में करने को मिल जाए देन यू विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन सेकेंड्स। चलो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं मैं बना देता हूँ। देखो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये ए बी है और ये सी डी है, ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल, ए बी एंड सी डी दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 17 में जो डेटा गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ई एफ इज पैरेलल टू जी एच। ई एफ क्या है, ये वाली एक लाइन है ई एफ, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई इसको दोबारा बना लेते हैं, फिर से टेढ़ी हो गई, ये बोर्ड यहाँ से गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। ये हो गई ई एफ एंड ई एफ इज पैरेलल टू जी एच, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। देखो सिंगल एरो के पैरेलल, डबल एरो के पैरेलल, दिस इज पॉइंट पी, सारे पॉइंटों को नाम दे दे रहे हैं, दिस इज पॉइंट क्यू, दिस इज पॉइंट आर एंड दिस इज पॉइंट एस, ये एंगल है 110, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैं एक लाइन और नहीं बना रहा, अगर ये एंगल 110 है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी 110, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वली, करस्पॉन्डिंग एंगल तो होगा। देखो दो लाइन ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के ऊपर वाला ट्रांसवर्सल से ऊपर ये हुआ लाइन से एंगल यानी ये 110, तो ये भी 110 हो जाएगा। चलो अब हम आगे कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। एक इन्होंने यहाँ से एक लाइन और बना दी, इसका नाम हो गया आर क्यू, ठीक है, ये लाइन और हो गई एक, और ये वाला एंगल दे रखा है x डिग्री जो हमें निकालना है, और ये वाला एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है, ये दे रखा है z, ये दे रखा है y और ये दे रखा है t। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z t, x निकालना है, y निकालना है, z निकालना है और t निकालना है, ठीक है। नाउ x y z एंड t, नाउ देखो ये लाइन और ये लाइन, अगर इन दोनों लाइंस को देखें तो x विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, y वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो हम यहाँ पर लिखेंगे कि x विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, और स्टेटमेंट क्या आएगा, सपोर्टिंग स्टेटमेंट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखो इस लाइन को देखो और इस लाइन को देखो, इन दोनों के बीच का एंगल x है और इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। अभी मैंने बताया ये एंगल 110 है, इसका मतलब ये एंगल पूरा कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110। चलो अब अगर ये 110 है तो z कितना हो जाएगा, ये देखो इस लाइन को देखो ध्यान से, ठीक है, और ये एक मैं लाइन बना दे रहा हूँ, दिस इज 110 एंड दिस इज z। तो व्हेन अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन लीनियर पेयर इज फॉर्म, एंड लीनियर पेयर में क्या होता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर हम लिखेंगे z प्लस 110 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, y लीनियर पेयर, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ z कम्स आउट इक्वल टू 180 माइनस 110, देयरफॉर z कम्स आउट इक्वल टू 70 डिग्री, z की वैल्यू कितनी आ गई 70, यानी हमने x निकाल दिया, x आ गया हमारा 60 डिग्री, z निकाल दिया, z आ गया हमारे पास 70 डिग्री, चलो z आ गया 70 डिग्री, ठीक है। नाउ दिस इज 70 डिग्री और ये t कितना हो जाएगा, देखो ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल,
सो जेड एंड टी विल बी इक्वल टू ईच अदर, वाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयर फोर एंगल टी विल बी इक्वल टू एंगल जेड, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयर फोर एंगल टी विल बी इक्वल टू 70 डिग्री. एंगल टी की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री. तो एंगल टी भी आ गया हमारे पास 70 डिग्री. इज दैट क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई निकालना है. अच्छा, ये अगर 60 डिग्री है और ये लाइन आपस में पैरेलल है. देखो मैं इस फिगर को ध्यान से बना रहा हूँ. ये इस वाली लाइन को देखो, ये एक लाइन बनाई मैंने, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल बना दी और ये एक ट्रांसवर्सल है. अगर लाइन से ट्रांसवर्सल का एंगल 60 डिग्री है तो ट्रांसवर्सल से लाइन का भी 60 डिग्री होगा. सो इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री, देयरफॉर वाई कम्स आउट इक्वल टू बी 60 डिग्री. वाई? बिकॉज दिस लाइन यानी EF इज पैरेलल टू GH एंड दिस लाइन इज कंसिडर्ड एज ट्रांसवर्सल, RQ इज ट्रांसवर्सल. ठीक है, सो हम लिखेंगे एंगल Y विल बी इक्वल टू एंगल X. Y ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. और ऐसा क्यों है? बिकॉज EF इज पैरेलल टू GH एंड QR इज ट्रांसवर्सल. देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, देयरफॉर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. सो एंगल Y विल बी इक्वल टू 60 डिग्री और ये हमने लिख दिया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. एक बार इस फिगर को देख लो, अगर कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी. ओके, देखो यहाँ पर ना एक चीज़ मैंने आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बताया था, जब मैंने ये लाइन ये बताई थी कि ये 110 है तो ये एंगल भी 110 होगा. उसके बाद मैंने ये फिगर बना दी. पर अगर आप क्वेश्चन को बीच से देखेंगे तो आपको लगेगा ये 110 और ये जेड. तो इसीलिए इसको क्या करते हैं, इस वाले एंगल को नाम दे देते हैं एंगल वन. सो हम लिखेंगे एंगल वन विल बी इक्वल टू 110. और ऐसा क्यों है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. और ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्यों बने? बिकॉज ई एफ इज पैरेलल टू जी एच एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल. ठीक है, अब ये 110 हो गया तो एंगल वन प्लस एंगल जेड विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. और ऐसा क्यों हुआ? लीनियर पेयर. ठीक है, यानी ये लाइन अब यहाँ आ गई. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18. ओके, हैव अ लुक. ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 को थोड़ा सा जल्दी करते हैं. कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी. दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी और ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है. ए बी इज पैरेलल टू सी डी. ठीक है, एंड अ ट्रांसवर्सल टी कट्स देम. ये ट्रांसवर्सल टी इनको कट कर रहा है. ठीक है, तो गिवन क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी. कह रहा है एंड ई एफ एंड ये पॉइंट ई हो गया, ये पॉइंट एफ हो गया. अब क्या बोल रहे हैं कि इफ ई जी एंड एफ जी आर बाइसेक्टर. ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है मतलब ये एंगल वन और अगर एंगल टू है. बाइसेक्टर क्या करता है, एक एंगल को दो इक्वल पार्ट से डिवाइड कर देता है. यानी एंगल वन जो है एंगल टू के इक्वल है. तो ये इसका बाइसेक्टर है ई जी और ये एफ जी इसका बाइसेक्टर है. यानी ये एंगल थ्री है और ये एंगल फोर है. इसका मतलब एंगल थ्री विल बी इक्वल टू एंगल फोर. ये गिवन है हमारा, क्योंकि बाइसेक्टर्स गिवन है. बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है. देन प्रूव दैट ई जी एफ. ई जी एफ हमें ये प्रूफ करना है कि ये एंगल जो है ये हमारा 90 डिग्री है. सो टू प्रूफ क्या करना है, एंगल ई जी एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री. प्रूफ करने के लिए देखो ध्यान से, इस ये लाइन और ये लाइन में दोबारा बना रहा हूँ. इसका नाम है ए बी और इसका नाम है सी डी. ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है. तो इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा, इट विल बी 180 डिग्री होगा. सो इसका प्रूफ देख लेते हैं. एंगल बी ई एफ मतलब ये वाला एंगल, बी ई एफ मतलब ये वाला एंगल, एंगल बी ई एफ प्लस एंगल ई एफ जी, ई एफ जी सॉरी ई एफ डी, ई एफ डी होगा, ई एफ डी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होता है, को इंटीरियर एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होता है. तो को इंटीरियर एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री कर दिया, डिवाइड बाय टू ऑन दिस साइड, डिवाइड बाय टू ऑन दिस साइड, अलग अलग कर लेते हैं. तो ये हो गया एंगल बी ई एफ का आधा प्लस एंगल ई एफ डी का आधा इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब इसका आधा या तो एंगल वन होगा या एंगल टू होगा. तो हमारे मतलब का कौन सा है, एंगल वन. तो हम क्या लेंगे, एंगल वन. सो इसको मैंने लिख लिया एंगल वन.
इसका आधा या तो एंगल थ्री होगा या एंगल फोर होगा, हमारे मतलब का एंगल थ्री है क्योंकि हम एक ट्राइंगल बना रहे हैं, तो इसको हमने लिख लिया एंगल थ्री। तो एंगल वन प्लस एंगल थ्री का सम कितना आ गया 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? अब इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ, ट्राइंगल का नाम है इन ट्राइंगल ई एफ जी, सम ऑफ थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल वन प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल ई जी एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों है? क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये चौक गड़बड़ कर रही है, नहीं चौक लेते हैं। चलो एंगल वन और एंगल थ्री का सम कितना है 90 डिग्री, सो 90 प्लस एंगल ई जी एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल ई जी एफ कम्स आउट इक्वल टू 90 डिग्री, और यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। इज दैट क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 19 आप अपने आप ट्राई करेंगे। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।